हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है क्यूब रूट इन सभी नंबर्स का, और ये सारे के सारे नंबर जो हैं नेगेटिव नंबर्स हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नंबर्स का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता। मतलब कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं, ये आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो जैसे जैसे आप क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, आप कहीं ना कहीं मुझसे भी पढ़ लेंगे या फिर किसी अदर टीचर से पढ़ लेंगे डेफिनेटली। ओके, तो अभी फिलहाल में हम लोग फोकस करते हैं क्यूब रूट फाइंड करने का। चलिए फाइंड करते हैं फर्स्ट। सो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ -125। तो पहले पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, निगेटिव को बाहर कर सकते हैं क्यूब रूट से। ठीक है, क्यूब रूट से आप निगेटिव बाहर निकाल सकते हैं। मीन्स आप यहाँ पर पढ़े हुए हैं, सिंस वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए। यदि इसमें थोड़ा सा हम मैं एलाबरेट और करूं, देखिए क्यूब रूट यहां पर लिए हैं हम लोग, यदि यहां पे 5 लेते या 7 लेते, मैंने कोई भी ऑड नंबर, तो निगेटिव यदि अंदर होता तो वो डिफाइंड होता है। मीन्स यदि मैं यहां पे यदि यहां पे मैं 5 लेता तो उसको, इसका मतलब ये होता कि फिफ्थ रूट है ना, फिफ्थ रूट ऑफ माइनस ए, तो फिफ्थ रूट भी यहाँ से डिफाइंड हो जाता। लेकिन खैर आपका क्लास 8 है तो इसमें नहीं पढ़ेंगे आप। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए एक बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इतना कर लेंगे, उसके बाद से 125 को तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, या तो फैक्टराइज कर दीजिए या फिर यूनिट डिजिट मेथड का यूज़ कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं यूज़ करेंगे, यूनिट डिजिट मेथड यूज़ करेंगे केवल बड़े नंबर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो बड़े नंबर्स हैं, यहाँ पर 125 का हो जाएगा 5 × 5 × 5 फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। और आप जानते हैं क्या करते हैं, यदि हम क्यूब रूट में हैं तो जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रिपलेट बना लेते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर हो जाएगा -5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए सेकेंड करते हैं। ओके, तो सेकेंड यहाँ पर पार्ट मैंने लिख लिया है, चलिए इसका क्यूब रूट निकालते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ -5832 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर पहले आप यूज कर लेंगे, नेगेटिव बाहर कर सकते हैं बिल्कुल क्यूब रूट से। ठीक है, और लिख सकते हैं 5832। और यहाँ पे सकते हैं सिंस हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ, यदि हम माइनस ए निकालते हैं तो इसकी वैल्यू जो है, ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब निगेटिव को बाहर निकाल सकते हैं क्यूब रूट से। सो यू कैन राइट लाइक दिस। तो इसका यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पर सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका निकालना है क्यूब रूट। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं निकालूंगा यूनिट डिजिट मेथड से। तो यूनिट डिजिट मेथड में केवल दो ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, इसमें क्यूब रूट का आंसर निकालने के लिए पहले हम इस यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, मतलब ये जो टू है, आपको बस देखना होता है ना कि जीरो से लेकर के जो 9 तक जो डिजिट्स हैं उनके क्यूब में, मतलब 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं उनके क्यूब में यूनिट डिजिट पर 2 आता है क्या किसी में, तो किसी एक ही में आता है, वो आता है किस में, 8 में। यदि 8 क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 512। देखिए 2 मिल गया यूनिट डिजिट पर, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब कि पहला स्टेप ये कहता है कि यदि किसी नंबर का आपको निकालना है यूनिट डिजिट, क्यूब रूट का मतलब जो यूनिट डिजिट निकालना है, तो केवल 2 को देखिए, 2 है यहाँ पर, तो 8 का क्यूब करने पर आता है 2, है कि नहीं। तो यहां पर क्या कर लेंगे, 8 बस लिख लेंगे, पहले माइनस तो रहेगा, 8 आ गया हमारा क्या, जो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट आ गया है 8। अब रिमेनिंग डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि आपको क्या करना होता है कि जो नंबर होता है उसके राइट साइड से 3 डिजिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। तो मतलब कि 238 से बनने वाला जो नंबर है, मतलब 832, इसको भूल जाइए, कुछ भी नहीं है। अब देखना होता है कि 5 क्या है, तो 5 को देखना होता है कि 5 जो है किस दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। तो 5 जो है आप जानते ही हैं, 1 क्यूब एंड 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। तो 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में लाई करता है क्या, 5। मीन्स आप ये सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 1 क्यूब एंड लेस देन 2 क्यूब। तो ये इन दोनों के मतलब बीच में है 5, सो हमारा 1 होगा रिमेनिंग डिजिट्स। ठीक है, ये 1, केवल ये 1 लिखना है, मीन्स आपका हो गया -18। दैट्स इट बाई यूनिट डिजिट मेथड। हम लिख सकते हैं बाई
यूनिट डिजिट में, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ बताया है उसका प्रोसेस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मैंने प्रोसेस नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, आप एग्जाम में ले सकते हैं कि मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट है, ये जो है 8 क्यूब इज इक्वल टू 512 आता है, इसके यूनिट में 2 आता है, देयरफॉर वी हैव रिटन 8 फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप में 1 लाने के लिए किए हैं कि 3 डिजिट्स को आप इग्नोर कर दिए हैं। उसके बाद से जो फोर्थ स्टेप में है उसका देखते हैं कि वो जो नंबर है फोर्थ डिजिट वो किस किस क्यूब के बीच में है, जिसके जिसके बीच में रहता है, तो पहली वाली जो नंबर होती है वही आपका यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट्स मिल जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो चलिए पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है -27440000, क्यूब रूट हमने यहाँ पर लिख लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, निगेटिव नंबर रहता है तो क्यूब रूट से बाहर निकाल सकते हैं, मीन्स माइनस ऑफ, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने सॉल्व किया यहाँ पर। ओके, इसके बाद हमें इस रूट से बाहर निकालना है, आपको क्यूब रूट निकालना है इस पूरे का, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। तो कैसे यूज़ करते हैं वो, आपको पहले देखना होता है कि जिसका निकालना है आपको क्यूब रूट उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो यहाँ पर जीरो है, जब जीरो है तो आपको अब ये मैच कराना पड़ेगा कि जीरो से लेकर के 9 तक के क्यूब में किस डिजिट का जो क्यूब में जो यूनिट डिजिट आता है वह जीरो आता है। तो देखिए, जीरो का क्यूब करेंगे यहाँ पर तो जीरो आएगा, यहीं पर मिल गया हमें, 1 का क्यूब करने पर 1 मिलता है, सब में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप बीच में यदि 5 का करते हैं क्यूब तो मिलेगा 125, जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। केवल आपको यूनिट डिजिट ढूंढना है 0 से लेकर 9 तक, जरूर कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जिसमें ये वाली जो यूनिट डिजिट है वो मिल जाएगी। तो 0 यहाँ पे मिल गया 0 पे, इसका मतलब कि पहला जो आंसर का जो पहला यूनिट डिजिट होगा आंसर में वो 0 होगा। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, रिमेनिंग जो डिजिट्स इसका निकालने के लिए आंसर का, आप राइट साइड से क्या करते हो, 3 डिजिट्स को कैंसिल कर देते हो, ठीक है। तो राइट साइड से हमने 3 जीरोज को कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो बचे हुए डिजिट्स से बनने वाला जो नंबर है मीन्स 2744, हम ये चेक करते हैं कि किस किस क्यूब के बीच में है, मतलब कि जो ये 2744 है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है 14 क्यूब के। देखिए मुझे याद है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। 20 तक आप यदि क्यूब नहीं याद करेंगे तो आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व करना आपके लिए बहुत मतलब हार्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप लिख कर ले जाएंगे तो एक तरह से नकल हो जाएगी, राइट। तो उससे बचिएगा, आप याद कर लीजिएगा, आपके माइंड में रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, 14 क्यूब इक्वल टू होता है एक्चुअली इतना ही, तो 14 क्यूब और 15 क्यूब के बीच में लाई कर रहा है एक्चुअली, और 14 को लेकर के हम 15 क्यूब से हमेशा लेस लेते हैं, मतलब इधर वाली नंबर होती है उससे हमेशा लेस नंबर ये आना चाहिए। तो ये नंबर जो है 15 क्यूब और 14 क्यूब के बीच में लाई करता है, तो 14 हमारे यहाँ पर, देखिए 14 जो यहाँ पर मिल रहा है ना, यही 14 आपका होगा यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट्स स्टेप नंबर 2 में, तो यहाँ पर लिख देंगे बस 14, मींस इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पर उतार लेंगे, -140 इज योर आंसर फॉर दिस वन बाई यूनिट डिजिट मेथड। ओके, ले सकते हैं कि यूजिंग यूनिट डिजिट मेथड, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। यहाँ पर हम निगेटिव एक प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे कि निगेटिव हम क्यूब रूट से बाहर ले सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टराइज करने के बाद जो प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं उनका ट्रिपलेट बनाइए और हर ट्रिपलेट में से एक नंबर निकाल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्यूब रूट आ जाएगा। एक तो वो आसान तरीका है। यदि आप एक मेथड और है जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट मेथड, यदि इसका यूज़ करते हैं तो बहुत फास्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए, मतलब 20 तक के क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, तभी आप फाइंड कर सकते हैं इससे फास्टर। तो चलिए वही हम करते हैं, यूनिट डिजिट मेथड यूज़ करते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं, तो इक्वल टू ये माइनस रख देंगे। अब यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, तो जिसका क्यूब निकालना रहता है क्यूब रूट, उसमें देखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, तो हम अब चेक करते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के क्यूब्स में किस में यूनिट डिजिट जो है 1 आता है। 0 क्यूब करने पर आता है 0, 1 क्यूब करने पर आता है 1, तो देखिए यहीं पर आ गया 1, और किसी में 1 नहीं आएगा, ठीक है, और किसी में करेंगे ना दूसरा कुछ आएगा। देखिए 2 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 8, 3 क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, जिसमें 7 मिलेगा यूनिट डिजिट, है ना, 3 क्यूब करने पर क्या मिलता है, 27 मिलता है, और 7 इज़ द यूनिट डिजिट। हमें बस फोकस करना होता है यूनिट डिजिट पर, तो यहाँ पर 1 मिल गया है, ठीक है, तो हमें यहीं पर मिल गया, तो कोई बात नहीं, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम, तो 1 यहाँ लिख सकते हैं,
आफ्टर दैट हमें रिमेनिंग डिजिट्स फाइंड करना है, ठीक है। ये स्टेप वन था, केवल हमने एक ही डिजिट फाइंड किया है आंसर का और वो यूनिट डिजिट था, ठीक है। अब फाइंड करेंगे रिमेनिंग डिजिट्स जो इसके लेफ्ट में लिखेंगे वन के। तो वो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि नंबर में जिसका निकालना है उसमें राइट साइड से हम थ्री डिजिट्स का पेयर ट्रिपल बनाते हैं और उसको भूल जाते हैं। भूलने का मतलब कि इसको कैंसिल कर दीजिए, इसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है। और 753 जो बचा हुआ है, बस आप ये चेक करना है कि अब ये जो 753 है किसी क्यूब के बीच में है, मतलब दो क्यूब्स के बीच में ये लाई करता है। तो कौन कौन लाई करता है, तो आपको याद होना चाहिए वही चीज़, है ना। तो हम जानते हैं कि ये ग्रेटर या इक्वल टू हो सकता है 729। 729 क्या है, ये 9 का क्यूब है, ठीक है। और इससे लेस या लेस होगा तो कौन सा होगा, 1000। 1000 आप जानते हैं किसका होता है क्यूब, 10 का क्यूब होता है। तो ये 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में ये लाई करता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। यदि मान लीजिए आपको ये याद नहीं कि 9 क्यूब क्या है 10 क्यूब क्या है, तो आप इसमें सेकेंड स्टेप में फंस जाएंगे। इसीलिए 0 से लेकर के 20 तक याद कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है ये। तो 753 जो है 729 और 1000 के बीच में लाई करता है। देयरफोर हमारा जो रिमेनिंग डिजिट होगा, बस ये जो 9 है ना, ये जो 9 है वही होगा। तो हम यहाँ 9 लिख देंगे और माइनस को थोड़ा सा इसके साथ हम लगा देंगे, थोड़ा दूर लग रहा था बेचारा। ओके, -91। नाउ दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ वन। ओके, तो अब फाइंड करेंगे इसका हम क्यूब रूट, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है इसके अंदर। तो क्यूब रूट फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है यूनिट डिजिट मेथड। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं यूज करूंगा यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम करेंगे क्या, माइनस तो लगा लेंगे ऐसे ही। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि यूनिट डिजिट क्या है, जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो 8 है, 8 है। तो स्टेप नंबर वन क्या करता है कि इस 8 को हम चेक करते हैं कि 0 क्यूब, 1 क्यूब, 2 क्यूब अप टू देखते हैं कि 9 क्यूब के बीच में किसके यूनिट, इसके इन सबका क्यूब निकालते हैं और देखते हैं कि इनका जो क्यूब निकला है उसके यूनिट डिजिट पर ये 8 आता है क्या किसी में। डेफिनेटली आप चेक करेंगे तो मिलेगा, किसी ना किसी एक में मिल जाएगा आपको। तो 0 क्यूब करने पर तो 0 ही मिलेगा, 1 क्यूब करने पे 1 ही मिलेगा, 2 क्यूब करने पर 8 मिल जाएगा। इट मीन्स 2 पर मिल गया, मीन्स 8 हमारा आंसर का यूनिट डिजिट हो गया। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 8, ये आपका यूनिट डिजिट मिल चुका है आंसर का, मतलब क्यूब रूट का, और इसके रिमेनिंग डिजिट्स को फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं कि उस नंबर के राइट साइड से 3 डिजिट का ट्रिपलेट बना करके उसको हम कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि भूल जाते हैं। और जो बची हुई नंबर होती है 32, हम ये चेक करते हैं कि 32 जो है किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। तो 32 लाई करता है इज़ ग्रेटर दैन 3 3 9 3 27, मीन्स 3 क्यूब के बीच में लाई करता है, मीन्स 27। 27 का क्या है, 3 क्यूब है। और इससे लेस हो जाते हैं 4 क्यूब, मीन्स 64। मीन्स 27 और 64 के बीच में लाई करता है 32, मीन्स 3 क्यूब एंड 4 क्यूब के बीच में लाई करता है। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर यदि इक्वल भी रहेगा तब भी इसी ब्रैकेट में रखेंगे हम। ओके, तो ध्यान दीजिएगा 3 क्यूब छोटा है, इसका जो ये 3 है ना यही होगा रिमेनिंग डिजिट्स, मतलब कि ये जो आंसर का जो रिमेनिंग डिजिट्स होंगे इधर के लेफ्ट साइड के वो 3 ही केवल होगा। मीन्स यहाँ लिख लेंगे 3, मीन्स क्यूब रूट ऑफ 32768 इज 38। लेकिन निगेटिव लगा हुआ है इसलिए निगेटिव हम यहाँ पे लगा चुके हैं। सो ये दूर है थोड़ा सा, तो हम पास कर लेंगे, आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे करेंगे हम, राइट। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल ही बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, है कि नहीं। मतलब पर्सनली पूरी तरह से मैं गारंटी देता हूँ कि मैं ज़रूर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। यदि ऐसा सोचता हूँ कि कमेंट जरूर कुछ, मतलब आप लोगों से जेन्युइन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझसे, तो मैं डेफिनेटली आंसर करता हूँ। यदि किसी बुक का मतलब सोल्यूशन आपको मतलब करवाना है या फिर कुछ भी ऐसा, या मुझसे पढ़ना है, लेट सपोज आपको मुझसे पढ़ना है, तो बिल्कुल आप मतलब ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल में। यदि आप ज्वाइन करेंगे तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि मैं आपको पूरी तरह से 100% आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और आपको समझाऊंगा अच्छे से। दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।